गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई वॉकर। इन टुडेस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू ऑल माय दिस ड्रामेटिक मेकअप लुक। और मैंने ये लुक उन लोगों के लिए क्रिएट किया है जिन्हें ड्रामेटिक मेकअप काफ़ी पसंद आते हैं। एंड द पीपल हु वांट टू पोस्ट देयर मेकअप ऑन इंस्टाग्राम दे कैन डेफिनेटली फॉलो एंड क्रिएट दिस लुक। एंड आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट करना मत भूलना एंड ऑल्सो टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो या लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो, बट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट येट एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मेकअप बाई यूजिंग दिस टर्मरिक एलोवेरा जेल। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, और एलोवेरा जेल यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है फॉर योर स्किन, बिकॉज ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और साथ ही ये आपकी स्किन को प्रेपअप भी कर देता है बिफोर योर मेकअप। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ एलोवेरा जेल। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस काया कमेडन सीरम। आप कोई सा भी सीरम अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यूज़ कर सकते हो, बट एज माई स्किन इज बिट सेंसिटिव मैं ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ। इससे मेरे ओपन पोर्स टाइटन अप हो जाते हैं, और साथ ही ये मेरे स्किन को हार्मफुल केमिकल से भी बचाता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लॉरियल एंटी इम्परफेक्शन वाइटनिंग क्रीम। ये मेरे स्किन के ऑयलीनेस, ब्लेमिशेस एंड पिम्पल्स को एट बे रखता है, एंड ऑल्सो दिस इज़ अ नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम दैट विल सूद योर स्किन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब मैं यूज़ करूँगी दिस नायका प्रेपअप जेल बेस्ड प्राइमर। दिस इज़ अ जेल प्राइमर जो कि आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत स्मूथ बनाता है, और साथ ही आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एंड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन लाइक मी देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस नायका न्यू प्रेपअप जेल बेस्ड प्राइमर। अब मैं यूज़ करूँगी दिस एले कर्ल प्रो कवरेज हाई डेफिनेशन HD फाउंडेशन, और इसका 2 पंप लेके अपने पाम में मैं इसे स्पॉन्ज से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इट्स इन द शेड फेयर एंड दिस इज़ अ वेट स्पॉन्ज, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डैप द फाउंडेशन ऑन माय फेस। जैसे जैसे मैं फाउंडेशन को डैप कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा फ्लॉलेस सा कवरेज क्रिएट कर रहा है मेरे फेस पे, और साथ ही मेरे ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स को भी बहुत ही अच्छे से हाइड कर रहा है, एंड इट्स ऑल्सो ब्लेंडिंग सो स्मूथली। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पैक टेक कवर कंसीलर, इट्स इन द शेड 01 बीच सैंड, और उसे मैं अपने आइज के अराउंड इस तरीके से अप्लाई करूँगी ऑन माई नोज बोन, ऑन माई फोर हेड, बिलो माई चेक बोन, ऑन माई चिन, एंड ऑल्सो ऑन द पिगमेंटेड पार्ट्स ऑफ माई फेस, एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। एंड वाइल ब्लेंडिंग यू कैन सी बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो रहा है स्मूथली, एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अ वेरी लाइट टेक्स्चर, एंड साथ ही बहुत ही अच्छे से मेरे सारे इम्परफेक्शंस ब्लेमिशेस को हाइड कर रहा है, बहुत अच्छा कंसील कर रहा है, और कवरेज भी इसका सुपर ऑसम है। एंड नोज़ एंड आइज़ के एरियाज़ को ब्लेंड करने के लिए मैंने एक सॉफ्ट सा स्मॉल स्पॉन्ज यूज़ किया है यहाँ पे। So you can see that flawless effect after using this concealer. And next I'm going to use this एले कर्ल प्रो कॉन्टोर पाउडर, एंड ये मेरा ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, बट एनी वेज आई कैन स्टिल मैनेज विद द कॉन्टोरिंग। सो अभी मैं अपने चिक बोन्स को कॉन्टोर कर रही हूँ, एंड देन आई विल कॉन्टोर माई नोज बोन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई जॉ लाइन। अब मैं यूज़ करूँगी फिटमी का कॉम्पैक्ट, और उसे लेके मैं अपने सबसे पहले नोज़ के हाइलाइटिंग पार्ट्स पे अप्लाई करूँगी, एंड नाउ मैं अपने चिक्स के कॉन्टोरिंग लाइन को कट करूँगी, एंड आई विल अप्लाई एंड सेट माय मेकअप बाय यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेट माई ब्राउज, एंड आई विल यूज़ दिस स्विस ब्यूटी 2-in-1 आईब्रो प्लस आईलाइनर जेल, और इसका मैट फिनिश लेके मैं अपने आईब्रोज़ को लाइट हैंडेडली डिफाइन करूँगी। और मेरे आईब्रोज़ ऑलरेडी काफ़ी थिक हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक देम लुक मोर डेंस। एंड दिस स्मॉल स्विस ब्यूटी 2-in-1 जेल प्लस आईलाइनर मैट फिनिश इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसमें आपको बोथ आईलाइनर और पिगमेंटेड मैट फिनिश आईब्रोज़ मैट मिल जाते हैं। सो आफ्टर डिफाइनिंग ब्राउज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस हिलारी रोडा न्यू आई शेडो पैलेट, और इसका ये वाला शेड लेके मैं अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करूँगी,
एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्मज देम. बहुत ही पर्टिकुलर लाइन मैं एक क्रिएट करने वाली हूँ आज, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक माई मेकअप लुक ड्रामेटिक. दैट्स वाई. सो आप देख सकते हो बहुत ही शार्प सा रोज पेटल जैसा कुछ लाइन क्रिएट किया है मैंने अपने अबव क्रीज लाइन. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फिट मी मेबलिन कंसीलर और उससे मैं अपने क्रीज लाइन को कट करूँगी. एंड मैं क्रीज लाइन को अपने मिडिल सॉकेट तक कट करूँगी. सो एज यू कैन सी ऐसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं बहुत सारे कलर्स यूज़ करूँ. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस 3 कलर्स और उसे लेके मैं सबसे पहले अपने आउटर क्रीज लाइन से स्टार्ट करूँगी, अप्लाइंग दिस ब्लू वन, देन दिस ग्रीन वन, एंड एट लास्ट मैं येलो कलर यूज़ करूँगी फॉर माई इनर कॉर्नर ऑफ द आई. एंड नाउ यू कैन सी बहुत ही कलरफुल सा मैंने ड्रामेटिक आई मेकअप क्रिएट किया है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटी लैशेज जो कि मैंने अमेजन से परचेज किया था, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पैक का लैश फिक्सर और उसे लेके मैं अपने अपर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी बिफोर अप्लाइंग माई फॉल्स लैशेज. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेट माई फॉल्स लैशेज. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बिले वॉस्ते मस्कारा, इट्स इन द शेड रेवन ब्लैक और इसे लेके मैं अपने अपर एंड लोअर लैशेज पे अप्लाई कर लूँगी. एंड नाउ आफ्टर फिनिशिंग माई आई मेकअप आई एम गोइंग टू डस्ट ऑफ द आई शेडो पार्टिकल्स बिलो माई आई. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्मैश बॉक्स द काली कॉन्टोर पैलेट और इसका ये ब्लश मैट फिनिश लेके मैं अपने चेक बोन्स पे अप्लाई करूँगी. यू कैन सी बहुत ही पिगमेंटेड है और बहुत ही क्यूट सा कलर है. और नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टू हाईलाइटर और उसे लेके मैं अपने फेस के सारे हाईलाइटिंग पार्ट्स को हाईलाइट कर लूँगी. एंड दिस इज़ अ वंडर पैलेट दैट कस्टमाइज 6 शेड, 3 मैट, 2 पेलेस इन पाउडर, 1 शेप एंड ब्रॉन्ज एंड हाईलाइटर एंड ऑल्सो 1 मैट ब्लश. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लैक्मी एनरिच मैट लिपस्टिक, इट्स इन द शेड PMRM 12. एंड गाइज टू ट्राई दिस लिपस्टिक, आपको बहुत ही लेस प्राइस में बहुत ही अच्छा लिपस्टिक आपको मिलेगा और साथ ही ये एक न्यूड इफेक्ट देता है जो कि बहुत अमेजिंग लगता है ऑन स्किन. सो हियर आई एम डन विथ माई मेकअप एंड हियर इज द फाइनल लुक. सो आई होप आप लोग को मेकअप पसंद आया होगा एंड यू गाइज हैव रियली एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो. एंड इफ यू रियली डू सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो ऑन द कमेंट सेक्शन एंड हेल्प मी नो योर थॉट्स. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन अदर सोशल मीडिया. आई हैव गिवन माय लिंक्स बिलो एंड मैंने साथ ही सारे प्रोडक्ट्स के भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. सो डो नॉट फॉरगेट टू गो एंड चेक वंस. And also if you create this look then do tag me there and let me know. Right now I'm taking a leave but I'll be back with a new video soon. Till then take care. Bye bye.